धरती पर छा जाएगा अंधेरा। सैटेलाइट से टूट जाएगा संपर्क। आने वाला है भयंकर तूफान। खत्म हो जाएगा सब कुछ। बढ़ रहा है सौर तूफान से खतरा। सूरज पर चल रही तेज हलचल से चिंताएं बढ़ गई हैं। कहा जा रहा है कि सूरज इस वक्त अपने सबसे सक्रिय दौर से गुजर रहा है। हाल ही में यह सक्रियता काफी बढ़ गई है। इस दौरान सूरज की सतह पर हलचल तेज रहती है। 22 जनवरी को सूरज पर हुए महाविस्फोट की वजह भी यही है कि वो अभी अपने मैक्सिमा में है, और इस दौरान सूरज पर आने वाली हलचल धरती के लिए बड़ा खतरा भी बन सकती है। जानकार कहते हैं कि सूरज पर आने वाले बड़े विस्फोट से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे आवेशित कणों की बौछार धरती की तरफ होती है। इन आवेशित कणों की वजह से उत्तरी ध्रुव के नजदीक पड़ने वाले देशों में बिजली व्यवस्था ठप होने का खतरा पैदा हो जाता है। सूरज की तरफ से आने वाले आवेशित कणों की वजह से सबसे ज्यादा खतरा सैटेलाइट्स को रहता है। इस वजह से दूरसंचार उपग्रह के ठप होने का अंदेशा ज्यादा है। खास बात यह है कि हमारी धरती का एक विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, और यही वजह है कि जैसे ही सूर्य से आने वाले आवेशित कण हमारी तरफ पहुंचते हैं, ये सभी जमीन पर ना आकर ध्रुवों की तरफ चल देते हैं। इस वजह से भूमध्य रेखा के पास मौजूद देशों में सौर तूफानों का असर सबसे कम पड़ने की संभावना रहती है। भारत की बात करें तो हमारा देश उत्तरी ध्रुव के मुकाबले भूमध्य रेखा के काफी नजदीक है, लिहाजा हम कनाडा और नॉर्वे के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज पर हलचल का 11 साल का चक्र है। इसमें एक समय सूरज काफी शांत रहता है तो एक समय ये सक्रियता काफी बढ़ जाती है। बढ़ी हुई सक्रियता के मद्देनजर वैज्ञानिक सूरज पर पल पल नजर जमाए हुए हैं, और ऐसी आशंका है कि आने वाले दिनों में पिछले सौर तूफान से ज्यादा ताकतवर तूफान का सामना धरती को करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।